नमस्कार आदाब। न्यूज़ इंडिया 6 में आप सभी का स्वागत है। कुशीनगर जिले के फाजिल नगर में श्री भगवान महावीर पीजी कॉलेज है, जहां पर विगत 5 वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है। छात्र नेता अब्दुल हक अंसारी के नेतृत्व में पूरा छात्र संघ और बहुत सारे छात्र 16 अगस्त से ही अनशन पर बैठे हुए हैं। इन सभी छात्रों की ये मांग है कि विद्यालय प्रशासन चुनाव की तिथि घोषित करे, छात्र संघ चुनाव बहाल कराए और चुनाव अधिकारी भी घोषित करे। छात्र संघ के इस अनशन का समर्थन सामाजिक कार्यकर्ता मनोज सिंह ने भी किया। मनोज सिंह ने छात्र संघ का मंच साझा करते हुए ये कहा कि भारतीय राजनीति की नर्सरी जो है वो छात्र संघ चुनाव है। छात्र संघ के मंच से छात्र संघ चुनाव को बहाल कराने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता मनोज सिंह ने और कौन कौन सी बातें कही, आइए सुनते हैं उनकी इस वीडियो में। ध्यान में रखते हुए उनको मजबूत करने के लिए एक राजनीतिक ताना बाना बुना गया है, जिसमें सबको अपने विचारों को रखने का अधिकार प्राप्त है। ठीक उसी प्रकार उन विचारों को मजबूत करके समाज के प्रत्येक दबे कुचले लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाकर उनको मजबूत करने का भी अधिकार प्राप्त है, और उसका एक बेस, एक बुनियाद बीज के रूप में डिग्री कॉलेजों को चुना गया, जहां से भारतीय राजनीति के लिए बेहतर से बेहतर नेता इस जनता के बीच में इस डिग्री कॉलेज से पैदा होने का काम करते हैं। लेकिन छात्र संघ के मंच से सामाजिक कार्यकर्ता मनोज सिंह ये कह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव का संरक्षण जो है वो छात्रों को ही करना है, यह देश हित, जनहित और संविधान हित के लिए परम आवश्यक भी है। इसी क्रम में डिग्री कॉलेज के प्रोक्टर छात्र संघ के मंच पर पहुंचे और छात्रों से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि छात्र संघ चुनाव कराया जाएगा। प्रॉक्टर के इस आश्वासन को छात्र संघ के छात्रों ने ठुकरा दिया और छात्र संघ के छात्रों ने ये कहा कि यह अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक कॉलेज प्रशासन चुनाव तिथि की घोषणा नहीं करती है। न्यूज़ इंडिया 6 से मंजूर आलम की रिपोर्ट। किसी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव का ना होना यह दर्शाता है कि कॉलेज प्रशासन कितना मनमानी कर रहा है। सवाल ये है कि अगर कॉलेज में छात्र संघ नहीं है, छात्र नेता नहीं है, तो छात्रों के हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे इस YouTube चैनल न्यूज़ इंडिया 6 को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।